नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर देखा जाए तो हमने कल तीन स्टॉक रेकमेंड किए थे, जो सबसे पहला था एक इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। और हम लोग देख सकते हैं कि IEX आज तकरीबन 9% ऊपर रहा। एक बार लोग समझने की कोशिश करेंगे, आज के डेली चार्ट में यहाँ पर देखें तो 9.41% ऊपर रहा। उसके बाद हम लोग इंडियन बैंक देखें कि इंडियन बैंक में क्या रहा, इंडियन बैंक भी तकरीबन यहां पे देखें तो 4.5% ऊपर रहा, एक हाई देखे इंडियन बैंक 163 रहा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN देखें तो SBIN में एक अच्छी खासी तेजी रही, देखें तो 1.2% 6 रुपया ऊपर रहा। तो यहां पे देखें तो मोमेंटम अभी भी बाकी है, ये सब स्टॉक्स में देखें तो काफी बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। ये 20% अपसाइड में मूवमेंट क्वार्टरली बेसिस पे लगता है। अब हम समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख के कि आगे क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू। अब बात करें हम लोग सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज हम लोग देखें तो अपर लेवल पर डेली चार्ट में सस्टेन किया है निफ्टी ने। अगर देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग रही मॉर्निंग में, कल की जो क्लोजिंग थी हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इस कर्सर पे आप देख सकते हैं 17,516 और आज की जो ओपनिंग थी वो थी 17,476। तो ये चेक कर सकते हैं, मॉर्निंग में 35 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग रही, उसके बाद निफ्टी ने सस्टेन किया अपने आप को और देखे तो ओनली 5% माइनस, मतलब एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ दिखा। हम लोग आर्ली कैंडल्स की बात करें तो अपर्स लेवल को सस्टेन कर रहा है निफ्टी, ये हमको देखने के लिए मिलता है। यहां पर हम लोग देखें तो किस तरीके से अपर लेवल को सस्टेन करता जा रहा है, मतलब यहां से फर्दर फॉल नहीं हो रहा है, इसी लेवल को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब सेंटीमेंट ये है कि निफ्टी यहां से वापस अप ट्रेंडिंग मूव लेगा, ऐसे चार्ट्स को देख के, प्राइस एक्शंस को देख के लगता है। अब बात करें हम लोग वीकली चार्ट्स में तो वीकली चार्ट्स में ये देख सकते हैं एक अच्छी तरीके से हायर लो एस्टेब्लिश किया है निफ्टी ने वीकली चार्ट्स पे। आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस वीक का, और देख सकते हैं किस तरीके से दो कैंडल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिंट किया है बायर्स ने, और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वो एग्रेसिवली बाइंग करेंगे और यहाँ से वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। देख सकते हैं कि 50% का रिट्रेसमेंट वीकली चार्ट्स पे निफ्टी ने लिया है और यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया है। एक पहला कैंडल जो था 29 नवंबर वाला, और अब देखें तो 6 दिसंबर वाला, ये दोनों 5 दिन के कैंडल्स हैं, और देखें तो ये 10 ट्रेडिंग सेशन इस दोनों कैंडल्स को मिला के होते हैं, और 10 ट्रेडिंग सेशन में बायर ने यहाँ पे वापस जो फॉल था उस फॉल को मेंटेन कर लिया है, संभाल लिया है, मतलब यहाँ पे बाइंग कर ली है। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि बायर्स वापस एग्रेसिव होंगे, और जो सबसे पहला टारगेट है हमने बात किया था कल के दिन कि निफ्टी का जो टारगेट है वो क्या हो सकता है, तो हम लोग को 19,700 का लेवल्स देखने के लिए मिलेगा, ऐसा देख के लगता है। इस लेवल को हम लोग मार्क करते हैं कि यहाँ पे निफ्टी एक वापस इस क्वार्टर में आ सकती है, तो हम लोग ये लेवल हमने मार्क किया है। जैसे हम लोग प्रीवियसली हम लोग लेवल मार्क किया था 16,000 कि 16,000 तक लग रहा था निफ्टी आएगा, मगर बायर एग्रेसिव हुए और बायर ने बाइंग की है। अब बायर एग्रेसिवली 19,700 तक के लेवल्स तक निफ्टी को लेके जा सकते हैं, जो सबसे पहला टारगेट है। अब बात करते हैं हम लोग मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट की बात करें तो इस मंथ में निफ्टी एक अपर लेवल को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो दिसंबर मंथ में निफ्टी ने 3% अभी तक तेजी दिखाई है 10 तारीख तक, मतलब 1/3 ट्रेडिंग सेशन बीत चुका है, और यहाँ पे देखें तो निफ्टी पॉजिटिव नोट में ट्रेड करता हुआ जा रहा है। बात करें हम बैंक निफ्टी की, और सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें डेली चार्ट्स में, तो डेली चार्ट्स में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी किस तरीके से एक लेवल को मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग थी इसको मेंटेन करता जा रहा है। मतलब इसके पहले प्रीवियसली देख सकते हैं किस तरीके से 8 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ही था इस लेवल से, मतलब 26 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक निफ्टी कंटिन्यू डाउन ट्रेड में था, मगर उसके बाद निफ्टी ने एक अप ट्रेंडिंग मूव लिया और इसको गैप अप, एक ब्रेकआउट के साथ गैप अप ओपनिंग दी, और यहाँ पे भी उस गैप अप को मेंटेन कर रहा है बैंक निफ्टी, जो एक अच्छा संकेत है। अब बात करें आर्ली कैंडल्स पे तो हम लोग ये देख सकते हैं किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपसाइड को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी अपसाइड के मूवमेंट को मेंटेन कर रहा है, और साथ लगता है कि वापस बैंक निफ्टी अपसाइड ही ट्रेड करेगा। अब बात करें वीकली चार्ट्स में तो वीकली चार्ट्स में भी बैंक निफ्टी ने भी बराबर वीकली चार्ट्स पे 50 MA को एक 50 MA का ही एक रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके से
50 EMA का ही एक सपोर्ट लिया है ना, 50 EMA का रिट्रेसमेंट लिया है और इट्स रिट्रेसमेंट को बैंक निफ्टी मेंटेन कर रहा है, एक जो अच्छा संकेत है हम लोग ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब बात करें मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे हम लोग ये देखने के लिए मिलता है कि मंथली चार्ट पे 3.95% अभी तक बैंक निफ्टी दिसंबर मंथ में अप है 1410 पॉइंट, और एक पॉजिटिव संकेत है कि बैंक निफ्टी वापस फर्दर मूवमेंट अपसाइड का ही ले सकता है। अब बात करते हैं ईएमएस पे, ईएमएस की बात करें तो 200 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है एक घंटे पे निफ्टी, बात करें 50 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है डेली चार्ट पे निफ्टी। अब बात करें हम लोग तो ओवरऑल 5 EMA, 13 EMA, 20 EMA हर ईएमएस के ऊपर आ चुका है तो पॉजिटिव संकेत है। बात करें हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे तो वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 5 EMA, 13 EMA, 20 EMA हर ईएमएस के ऊपर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट में एक 50 EMA को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। मंथली चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि 5 EMA के ऊपर है। बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या लगता है और बैंक निफ्टी में हमको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकती है, कहाँ जा सकती है। ओवरऑल देखें बैंक निफ्टी की बात हम करें कि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कहाँ लगता है और बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है ईएमएस पे, तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आर्ली कैंडल्स पे हम लोग देखें तो आर्ली कैंडल्स पे 200 EMA के नीचे है, 50 EMA के ऊपर है। डेली चार्ट्स में देखें तो डेली चार्ट्स में 50 EMA के तक नीचे है मगर 13 EMA, 5 EMA इस सब के ऊपर आ चुका है और आज कोशिश किया है 20 EMA के ऊपर आने की भी। वीकली चार्ट्स में देखें तो वीकली चार्ट्स में अभी भी 5 EMA के नीचे है और देखें तो ओवरऑल एक हायर लो स्टैब्लिश करता हुआ हमको दिख रहा है। बात करें मंथली चार्ट की तो मंथली चार्ट में अभी तक 5 EMA के ऊपर है बैंक निफ्टी और एक पॉजिटिव संकेत है। ओवरऑल देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। अगर स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और इंडियन बैंक काफ़ी बेहतर लगते हैं इस वैल्यूएशन पे। हम लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ पे कम से कम 20% का अपसाइड मूवमेंट दिखता है। अब बात करते हैं हम लोग NSE की साइड पे कि क्या रहा मार्केट, तो ओवरऑल देखें तो आज 0.03% मार्केट माइनस रहा, मतलब सिर्फ 5.20 कंपनियां प्लस रही, 29 कंपनियां माइनस रही, एक कंपनी अनचेंज रही। बर्नल शेयर्स में एशियन पेंट, ग्रासिम, SBI, SBI लाइफ, BPCL रहे। ग्रिनल शेयर में डिविस लैब, टाइटन, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंज्यूमर रहे। मोस्ट एक्टिव शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन दिखी, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई। फिर स्टार हेल्थ, HDFC, रिलायंस, आइडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई। क्वांटिटी ट्रेड कहें तो आइडिया, येस बैंक, JP पावर, GTL इंफ्रा और आरकॉम में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।